मैं जो बीजेपी का था वो बीजेपी आज नहीं है। आज चोर, लुटेरे, गुंडे, लफंगे, बुटलेकर, बलात्कारी, भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग बीजेपी में भरे हैं। वो बीजेपी मेरी नहीं है, ये बीजेपी 95 वाली बीजेपी नहीं रही। ये जो है ना, ये नौटंकी जो है ना बीजेपी की, रोड शो से पब्लिक को क्या है, कहाँ वाजपेयी और कहीं ये लोग। बीजेपी को बीजेपी की हार के तौर पर देखना है इसको, जिन लोगों ने वोट दिया होगा लास्ट टाइम जब सरकार बनी तब, एक बार, दो बार, तीन बार, इसके बाद भी कोई फर्क न लगे तब जाकर बीजेपी से इनका मोह भंग हुआ। और मोह भंग के हिसाब से जो बीजेपी के वोटर थे, इन्होंने तय किया कि बीजेपी को वोट नहीं करना है। और दूसरे चरण में कांग्रेस ने जो ओबीसी कार्ड खेला है कि हमारा मुख्यमंत्री ओबीसी भी हो सकता है, पर मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात ये इलाका जो है ना वो ओबीसी बाहुल्य एरिया है, इसलिए कांग्रेस की बहुमत की संभावना बढ़ गई आज। जिसे अब कांग्रेस की आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो इस बार पूरे चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते ही नजर नहीं आई। 77 में जनता पार्टी बनी थी, तब तो कुछ था ही नहीं, फिर भी इंदिरा गांधी हार गई थी, संजय गांधी हार गए थे, जनता पार्टी का बहुमत आया था, वो तो लोग पकड़ेंगे कि निकम्मी पार्टी है, परिवर्तन करना है, शासन कुछ चेंज करना है, तो फिर पैसे, शराब, प्रेशर कुछ काम नहीं करना। और वो भी ये माहौल अभी है, अंडर करंट भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, एंटी बीजेपी, एंटी गवर्नमेंट है। देखिए मैं जो है ना बीजेपी की मैक्सिमम 80 से ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, मैक्सिमम बीजेपी की हार तो नॉर्थ गुजरात, मध्य गुजरात में होगी। तो पीएम मोदी ने जो रोड शो किया आज, मोदी जी अपनी माँ से भी मिले, तो मार्केटिंग है। देखिए मार्केटिंग है, तो ये जो है ना ये नौटंकी जो है ना बीजेपी की, रोड शो से पब्लिक को क्या है, तो हर बार पॉलिटिकल एक्ट होता है, ईच एंड एवरी एक्ट पॉलिटिकल। तो इलेक्शन में क्यों माता जी के दर्शन, आप सिर पर आइए ना, करिए ना, इतनी बार आते इतनी बार माता जी के दर्शन करते हैं क्या, तो ये भी मार्केटिंग होता है, भावना है। अभी भी कहता हूँ लाशों को अहमदाबाद में लाकर शोभा यात्रा निकालने का प्लानिंग क्या होता है बताइए मेरे को आप, और लाशें फिर एक्शन हुआ गोधरा में, अब इसका रिएक्शन होगा, इसका मतलब कि मुस्लिम और हिंदुओं को मारा, हिंदू मुस्लिमों को मारेंगे, यानी कि मारकाट की राजनीति तो मौत हुई ना, क्या हुआ और क्या, तो मर गए तो मर गए ना, मुसलमान मर गए, हिंदू मर गए, इसका हिसाब किताब कहा है। बाबू अमित शाह का भी एक बयान आया था बीच में कि 2002 के दंगे में सबक सिखाया है, इसका क्या मायने थे इसको आपके? यही मायना है, इन्होंने मरवाए मतलब हिंदुओं को, यह मायना होता है इसका। तो अगर आप जो होते हैं इसका मतलब निकालना, जो मतलब निकलता है पार्टी की फिलोसफी होती है क्या, ये बीजेपी जिसमें गुंडे, चारू लोग, शराबी, रैपिस्ट लोग, भ्रष्ट लोग, दुनिया भर के लोगों का समूह, ये मेरी बीजेपी थी क्या? और दुख होता है मेरे को सब कहते होंगे, नौटंकी लोगों की, चीटर लोगों की पार्टी होगी, दूसरे लोगों की। ऐसा कहा जाता है, गुजरात में भी आया था इलेक्शन में तो ऐसा बोला जाता है कि आपके कारण गुजरात छोड़ना पड़ा था नरेंद्र मोदी। बीजेपी में जब हिसाब किताब होता है ना, तब वो हाईकमांड तय करते हैं, आरएसएस वाले या बीजेपी के लोग तय करते हैं। उस समय मैंने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कमला जी के हिसाब से, लेकिन आपने जो किया है, अभी आप भुगत रहे हैं, उसकी कथा करने में बाद में आऊंगा, तो वो रोने लगे, आप दुखी थे, बहुत दुखी थे, वाजपेयी को कुछ नहीं कर पाएगी, वाजपेयी की हाइट इतनी बड़ी थी ना, वाजपेयी आरएसएस को ओवरटेक करते थे, अडवाणी जी ने कभी आरएसएस को ओवरटेक नहीं किया, ये प्रॉब्लम है, वही तो होता है। इसलिए मैंने कहा जो बचाने वाले थे इनकी हालत, मैंने कहा जो आपकी हालत में अभी देखता हूँ ना, मेरे को बहुत दर्द होता है, देखिए इनकी लाइफ अडवाणी जी पवित्र रहे, वो आप नहीं जानते, आरएसएस के जो भी प्रचारक होंगे वो कभी मर जाएंगे तो भी एनसी आरएसएस को नहीं खोलेंगे, अडवाणी जी एक है, अटल जी ऐसे नहीं थे, अटल जी ने खुद मेरे को कहा चलिए इंडियन एक्सप्रेस में जाते, मैं खुद बिहार चलाकर अटल बिहारी वाजपेयी को इंडियन एक्सप्रेस के प्रिंस में दिल्ली ले गया था, आरएसएस कौन सी दिशा में जा रहा है ये अटल जी ने लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में। अरविंद केजरीवाल के बापू रोल को आप इस बार कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी उसमें कोई मतलब भी नहीं है, जो मेहमान थे, मेहमान आज शाम को 5 बजे चले जाएंगे, इनको पूछिए, पंजाब में आरएसएस का काम, दिल्ली में इनको जिताने के लिए आरएसएस ने काम किया, पंजाब में इनको जिताने के लिए आरएसएस ने काम किया। शेयर एंड डाउनलोड करो दिव्य भास्कर ऐप।